On behalf of the team of 7 Heroines of Folklore, welcome you all to the fabulous and enticing event that is 7 Heroines of Folklore. Aaj Sassi Punnuo ka natak pesh kiya jayega. Sassi ki daastan ek aisi ladki ki hai ki jisne apne mehboob ke liye har mushkilat jhelne ka faisla kar liya aur har imtihan par guzarne ke liye taiyar ho gayi. May I please now invite the entire team to come on stage and perform the play for which everyone has been anxiously waiting for. Have a big round of applause. किसी जमाने में भंबरवा के किनारे एक पंडित रहा करता था जिसकी कोई औलाद न थी. तवील इंतजार के बाद उसे एक बेटी से नवाजा गया जो खूबसूरती में इस कदर यकता थी कि उसके हुस्न पर चांद भी फरेफ्ता था. नजूमियों ने पेशगोई की कि यह लड़की बड़ी होकर एक मुसलमान के इश्क में गिरफ्तार हो जाएगी. परेशान हाल बाप ने बदनामी के डर से अपनी लखते जिगर को एक संदूक में डाला और उसे दरियाए सिंध में बहा दिया. ये संदूक भंबोर में मोहम्मद नामी एक धोबी को मिला जो खुद बे औलाद था. उसने बेटी को गले लगाकर उसका नाम सस्सुई रखा और उसे बहुत लाड प्यार से पाला. देखते ही देखते सस्सुई बड़ी हो गई और उसके हुस्न अखलाक की दास्ताने करबो जवार में मशहूर होने लगी. ये बातें केच मकरान के शहजादे पुन्नू के कानों तक भी पहुंची. वो अनदेखे ही सस्सुई पर आशिक हो गया. और उससे मिलने के इश्तियाक में ताजिर का भेस बदलकर भंबोर आ पहुंचा. सस्सुई उसके पास मुश्को अंबर खरीदने के लिए पहुंची और दोनों एक दूसरे को देखते ही इश्क में मुब्तला हो गए. पसी जज जमाल जिनी पीटी पिक अपर अगा जो थियो सूर उन्हीं के सिक हड न भगी हिक सदा सायर सिर में. जिसने हुसन का जलवा देखा जर्राए हुसन पिया. विसले यार की तलब बड़ी और दर्दे हिजर बड़ा. उनको प्यास सदा गो के हैं वो बीच बहर में. सस्सुई ने अपनी सहेली के जरिए अपने बाप तक अपने दिल की बात पहुंचाई मगर मोहम्मद इस रिश्ते पर राजी ना हुआ कि पुन्नू का ताल्लुक उनकी जात बिरादरी से न था. पुन्नू ने मोहम्मद के सामने धोबी बनने का रूप धारा और सस्सुई को पाने के लिए तरह तरह की आजमाइशों से गुजरा. बिलाखिर सस्सुई का बाप मान गया. और दोनों की शादी हो गई. सस्सुई के बाप ने पुन्नू से यह वादा लिया कि वो शादी के बाद भंबोर ही में रहेगा. दूसरी तरफ पुन्नू के बाप आरी जाम का अपने चहीते बेटे की जुदाई में बुरा हाल था. उसने अपने बेटे को वापस आने के लिए काफी पैगाम भिजवाए लेकिन पुन्नू ने एक ना सुनी. आखिरकार पुन्नू के तीनों भाई अपने बाप से वादा करके निकले कि किसी भी तरह पुन्नू को लेकर आएंगे. जब पुन्नू के भाई भंबोर पहुंचे तो उन्हें बहुत इज्जत और तकरीम दी गई. उनके एजाज में महफिल का इनेकाद किया गया. रात देर तक महफिल चलती रही. सस्सुई का इंतजार तवील से तवील तर होता गया. उधर सस्सुई को इंतजार में नींद आ गई. इधर भाइयों ने पुन्नू को शराब पिलाकर मदहोश कर दिया और अपने साथ केच मकरान ले चले. हीजे आया हेर मुँ अगुन दिठा कदही आऊं तरसा हूँ तकड़ा पटन लाइन पेर भंभोलियस बरन में पसी भिंडुन भेर आऊं आर्यानी उसरी थी वाहर जी वेर ही कम्युनी केर
तू पारिस रस जपब में आए जो थे इस बार वो पहले कब देखे थे मैंने रोका रुके ना देवर चलने को तैयार बल खाती गुम होती राहें डगर डगर दुश्वार तू ही आकर इस परहन को राह दिखा को यार मैं हूँ निर्बल नार पहुंचे पारस पब में जब ससुई की आंख खुली तो वो फुन्नू को करीब न पाकर बहुत परेशान हुई जब सारा माजरा पता चला तो वो बहुत रोई खुद को बहुत कोसा और फिर पैदल पुन्नू की तलाश में निकल पड़ी आलूड़ो अख्युन आयम निंढ्रा भाग के हानी हिन भंभोर में घारिया कारण किन अध्यू ओठी अड़न हियन सा हानियों कयो बुरी थी मेरी किस्मत कि मैं सोई सजा के ख्वाब किसके खातिर शहरे बंबूर में रहे ये दिल बेताब देकर हिजर अजाब चले गए असवार ससुई को हर शे अपनी दुश्मन मालूम हो रही थी जो उसे फुन्नू से दूर ले गई थी अपनी नींद से लेकर फुन्नू के भाइयों तक ऊंटों से लेकर सार बानों तक वो हवा जिसने फुन्नू के कदमों के निशान मिटा दिए थे वो सूरज जिसने गुरूब होने में ताखीर की वो आसमान जो दौराने सफर मेहरबान न हुआ और वो चांद जिसकी रोशनी देर पा साबित न हुई चलते चलते ससुई को पहाड़ों के दरमियान एक चरवाहा नजर आया तो उसने उससे फुन्नू के काफले की बाबत दरियाफ्त किया जब चरवाहे ने इस कदर हसीन लड़की को देखा तो उस पर बुरी नजर रखी जब ससुई ने कोई चारा न देखा तो उसने चरवाहे से पानी लाने का कहा चरवाहा पानी लाने गया तो उसने खुदा से दुआ मांगी पहाड़ शक हो गया और ससुई उसके अंदर समा गई बस उसकी चुनरी बाहर रह गई चरवाहे ने जब ये माजरा देखा तो तौबा की और पत्थरों से ससुई की कब्र बना दी मर तमोचारी थी वे ही जीव मजूर मंद मरना पोए पहचन दिया पुनु आगे मरकर हासिल कर सुंदरता जीने से क्या हासिल मरकर ही पाएगी ससुई यार के विसाल की मंजिल जब पुन्नू को जबरदस्ती ले जाकर आरी जाम के पास पेश किया गया तो ससुई की जुदाई के गम में उसकी हालत अधमरे इंसान की सी थी जब बाप ने बेटे की हालत देखी तो उसको जाकर ससुई को अपने साथ लेकर आने की इजाजत दे दी जब फुन्नू चलते चलते ससुई की कब्र के पास से गुजरा तो उसे लगा कि वो किसी बुजुर्ग की कब्र है उसने सोचा कि इस कब्र पर जाकर अपनी महबूबा से मिलन की दुआ मांगनी चाहिए कब्र के पास उसने चरवाहे को बैठा देखा जब दरियाफ्त करने पर उसे अंदाजा हुआ कि ये तो उसकी ससुई की कब्र है तो उसने खुदा से विसल की दुआ मांगी पहाड़ शक हुआ और उसने ससुई और पुन्नू को एक कर दिया इस तरह ससुई और पुन्नू की दास्तान मोहब्बत सिंध के तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई